हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? ओके, तो अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा था और मैंने सोचा बंगाली का फेमस मिठाई बनाऊं जो कि नारियल से बनती है और हम लोग उसको नारू बोलते हैं। और मैं तो मम्मी जैसे बना नहीं सकती, बस उन्हें फ़ोन कर करके पूछ लिया कि कैसे बनाना होता है। तो यूजुअली हम लोग इसमें दूध डालते हैं और जो यहाँ पर मैंने ड्राई कोकोनट यूज़ किया है, गुड़ के साथ मिला के इसे पका लिया और ऐसे लड्डू ऐसे बना लिया। वैसे खाने में अच्छा ही हुआ था, मम्मी वाला टेस्ट तो नहीं आया था। आई थिंक वो आ भी नहीं सकता। हाँ, वो उस दिन वाली स्टोरी तो रहेगी। मैं दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन घूमने गई थी। वैसे पंडाल तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए मंदिर के आसपास जगह को थोड़ा सा घूमने गई थी। वैसे आप में से कोई अगर कोरिया घूमने के लिए आए तो पुछोन हर्प आइलैंड और पुछोन आर्ट वैली, ये दोनों जगह ज़रूर अपने बकेट लिस्ट में रखिएगा। पुछोन हर्प आइलैंड जो कि सबसे बड़ा हर्ब आइलैंड है कोरिया का, जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ब्स आपको मिलेंगे। जैसे कि आप मुझे यहाँ पे देख रहे हो, मैं एक्चुअली टिकट लेने के लिए आई हूँ और टिकट का प्राइस है 12,000 कोरियन वॉन, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 752 INR है। वैसे मैं तो साड़ी पहनी थी और जो आसपास के लोग थे उनका रिएक्शन देखने लायक था। वैसे कोरिया में हम डायरेक्टली किसी का फेस का वीडियो उनसे बिना पूछे ले तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल है यहाँ पे। एनीवे, तो मैं जो बोल रही थी, आप ये हर्प आइलैंड में दिन के वक्त भी आ सकते हो और रात में भी आ सकते हो। रात में ये जगह का लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत होता है। रात वाली वीडियो भी मैं कभी ज़रूर अपलोड करूँगी। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि आप लोग यहाँ पे आओगे कैसे सोल से। अगर आप सोल से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे शटल बस मिल जाएंगी, वो पहले से रिजर्व करना पड़ता है। 14,000 कोरियन वॉन लगते हैं उसको बुक करने के लिए। और नेक्स्ट डे बस टर्मिनल से अपने रिजर्व बस पे आप यहाँ पे आ सकते हो। आज का मौसम भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा कलरफुल अम्ब्रेलास। वो जो आपको पिंक कलर का ट्रक दिख रहा है ना, वो आपको ये वैली के ऊपर ला के छोड़ेगा और जहाँ है कोरिया का फेमस पिंक मूली। ये कोरिया का बहुत फेमस ग्रास फ्लावर्स है, हमारे इंडिया में भी होता है ना, वो तो वाइट कलर का होता है पर ये पूरी तरीके से पिंक है। ये बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। कोरिया से और कोरिया के बाहर से सारे लोग यहाँ पे आते हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है, पूरी तरीके से पिंक हर तरफ। वैसे मैं तो थोड़ा सा लेट होगी यहाँ पर आने के लिए। यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छी टाइम है ऑटम से थोड़ा थोड़ा पहले, इसका मतलब है सेप्टेम्बर अक्टूबर के टाइम में। अगर आप लोग चूज़ कर रहे हो तो ये टाइम आपके लिए सही रहेगा। वैसे कोरियंस तो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ का पिंक मूली है तो आसपास की सारी चीज़ों को इन लोगों ने पिंक में बदल दिया है ताकि फोटोज़ सबसे अच्छा आए। यहाँ तक कि इन्होंने डायरेक्शन दिखाने के लिए अम्ब्रेलास को भी पिंक कर दिया है। अभी जिस जगह आप देख रहे हो इसको पुछोन आर्ट वैली बोलते हैं। और यह जो आपको ट्रेन दिख रहा है, ये बेसिकली केबल कार है, क्योंकि पुछोन आर्ट वैली काफ़ी ऊपर में है तो यहाँ से काफ़ी दूर चलना पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम में आओ तो यू कैन यूज़ दिस केबल कार। वैसे यहाँ पे एजेड लोगों के लिए भी एक तरीके का गाड़ी का फैसिलिटीज़ है। पुछोन आर्ट वैली बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के नेचर के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर यू कैन फाइंड हेयर और आपको बहुत तरीके का पत्थर, दैट मीन्स क्लिफ, जैसे कि ग्रेनाइट क्लिफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। वैसे तो कोरिया में ऑटम चालू हो चुका है, लेकिन अभी तक येलो एंड रेड कलर के पत्ते पूरी तरीके से नहीं आए हैं। वैसे तो इस तरीके का नेचर ओरिएंटेड जगह में कोरियन लोग इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम्स को बहुत पसंद करते हैं। मुझे भी कुछ थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, मैं भी उधर ही जा रही हूँ और आप लोगों को भी सुनाऊँगी। वैसे मैं आपको बोल रही थी ऑटम के बारे में, लेकिन मुझे तो अभी से ठंड लगने लगी है। मुझे लगता है इस बार कोरिया में विंटर थोड़ा जल्दी आएगा। अभी जो यहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर रही हैं वो बहुत ही एक यंग लेडी है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे भी बताइएगा। द
वैसे पोचोन आर्ट वैली में ग्रीन कलर का लेक जो आप अभी देख रहे हो और ग्रेनाइट पत्थर का ये क्लिफ, ये बहुत ही ज़्यादा पिक्चर परफेक्ट है, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे आना तो मस्ट ही है। वैसे तो कुछ और भी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, मैंने सारा सब कुछ कवर नहीं किया था, बहुत लेट हो गई थी, घर भी जाना था और भूख भी तो लगी है। ओ हाँ, ये देखिए, ये यहाँ का चिकन बारबेक्यू, ट्रेडिशनल चिकन बारबेक्यू है। वैसे तो यहाँ पे बारबेक्यू हर चीज़ का बनती है, सी फूड से लेके फिश या फिर मीट का भी बनता है। चलिए एक कुछ नया दिखाती हूँ आपको। कोरिया क्यों 2050 में बिलोंग करता है ऐसे लोग बोलते हैं। ये जो आपको टेबल दिख रहा है ना, एक नॉर्मल टेबल है राइट, बट एक्चुअली ये एक इंडक्शन टेबल है। देखिए ये टेबल दिखने में तो नॉर्मल है, लेकिन ये जो रबर का आपको दिख रहा है इसको आप हटा सकते हो और ये जो स्टिकर है जिसके अंदर जो बीच का जगह है वहीं से हीटिंग आती है, और ये बस रबर का ये पैड लगा लिया, बस आपका इंडक्शन तैयार। आप यहाँ पे कुक करो, जब मन ना करे तो कुक मत करो, रबर वाला चीज़ को हटा दो, ये नॉर्मल टेबल बन जाएगा, है ना मज़ेदार। वैसे मैंने चिकन सूप ऑर्डर किया था तो ये वही वाला इंडक्शन टेबल में ये हो रहा है, ये लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।